नीदरलैंड तो हम भी मानते हैं, मादरे वतन कहते हैं हम हिंदुस्तान को। चल झूठा। क्या हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय के नारे से परहेज करना सही है? हरगिज नहीं। मादरे वतन कहना और माँ कहकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, ये इस्लाम में नहीं है। ये गांडू यहाँ कैसे आ गया? भारत माता की जय के नारे से आखिर मौलाना साजिद रशीदी को भय क्यों है? वो भारत के नक्शे पर एक लेडीज का नक्शा लगाते हैं फोटो, और फिर उसको माता मानकर उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, बस कर गांडू, इबादत करते हैं। इस्लाम में तो ये है नहीं, इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उसके अलावा किसी की इबादत है नहीं। अबे साले, इस देश के कानून और संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं तो कोई भारत माता का अपमान करे, एक नहीं हम हजारों लाखों के शीश कतर करने का सामर्थ्य। एक बागेश्वर धाम है, आपने सुना होगा उनकी बात को कई बार, वो कहते हैं तुम मेरा साथ दो, मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। ये तो होगा, तो मेरे हिंदू भाई जो टीचर हैं वो अपनी आस्था को मुसलमान बच्चों में न डालें। अच्छा, नेता लोग जो इफ्तार पार्टियां करते हैं उनकी इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए, और अगर किसी वजह से जाना भी पड़ जाए तो अपना पानी और अपनी खजूर साथ लेके जाओ, इफ्तार उससे करो। आप कहां थे ज्ञानी बाबा? ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है, अगर मेरे धर्म के विरुद्ध कोई चीज हो, उसके खिलाफ कोई चीज हो, तो मैं उस पर आवाज उठाऊं, ये मेरा, मेरे देश के संविधान ने मुझे इजाजत दी है इसकी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर आपने जैसा कि इंट्रो में देखा कि साजिद रशीदी का दोगलापन, वो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, और ये बात करते हैं जहाँ भारत सरकार से कुछ न लेने की हलाल है, और बेइज्जती करवाने में इसने पीएचडी हासिल कर रखी है। पाकिस्तान की जर्नलिस्ट आरजू काजमी के साथ भारत की क्या बेइज्जती की, आपने देखा होगा इंट्रो में, और आप आगे देखेंगे। पूरी वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताएगा किस तरीके का वीडियो लगा। हमारे साथ हैं जी मौलाना साजिद रशीदी साहब, और सब लोग मौलाना साहब को जानते हैं कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब के आ जा पाए, थैंक यू सो मच मौलाना साहब। आज बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें आप कह रहे हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे कहलवाया जा रहा है कि भारत माता की जय। अब अगर मैं इसका मतलब समझूं तो ये तो मतलब एक तरह से मदरलैंड या वो कहा जा सकता है कि कहा जा रहा है, तो कोई बुरी बात तो नहीं? आप इतने नाराज क्यों हैं इस बात के ऊपर? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, मैंने ये कहा है। देखिए, हमारे जो बिरादराने वतन है, हमारे हिंदू भाई, वो भारत के नक्शे पर एक लेडीज का नक्शा लगाते हैं फोटो, और फिर उसको माता मानकर उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, इबादत करते हैं उसकी। इस्लाम में तो ये है नहीं, इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उसके अलावा किसी की इबादत है नहीं। जहां तक मदरलैंड का मामला है, मदरलैंड अलग चीज है, और मदरलैंड को मदर मानकर उसकी इबादत करना ये बिल्कुल अलग चीज है। मदरलैंड तो हम भी मानते हैं, मादरे वतन कहते हैं हम हिंदुस्तान को, तो मादरे वतन कहना और माँ कहकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, ये इस्लाम में नहीं है। मैंने ये कहा है कि यह आस्था मेरे हिंदू भाइयों की है, तो मेरे हिंदू भाई जो टीचर हैं वो अपनी आस्था को मुसलमान बच्चों में न डालें, और हिंदू पेरेंट्स, सॉरी मुस्लिम पेरेंट्स जो भी हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी ऐसे इवेंट्स के मौके पर बच्चों को बताएं, सिखाएं कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो वो साफ मना कर दें, भाई ये हमारी आस्था के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे इस चीज को। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद कहें, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन अगर सीधे तरीके से देखा जाए, अगर कोई पाकिस्तान में बैठा हो या किसी भी दूसरी कंट्री में बैठा हो और वो थोड़ी बहुत उसको हिंदी समझ आती हो, तो भारत माता की जय से तो उसको यही समझ आएगा कि कंट्री की बात हो रही है, मुल्क की बात हो रही है। उसमें से एक नई चीज निकाल के जो आप लेकर आए हैं वो गैर जरूरी नहीं लग रहा आपको कि आप बिना वजह में जिसे कहते हैं कि इशू बना रहे हैं? देखिए, इस पर जो है ये कोई आज आज पहली मर्तबा इस पर बात नहीं हुई है, इस पर बहुत मर्तबा बात हो चुकी है हिंदुस्तान में, इस पर और वंदे मातरम पर, ये दोनों चीजें ऐसी हैं, इस पर बहुत बात हो चुकी है। देखिए, जो आस्था के विरुद्ध चीज जाएगी, आस्था के खिलाफ जाएगी, उसके लिए बोला जाएगा, क्योंकि मेरे देश का संविधान मुझे ये भी कहता है ना कि आप अपने धर्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी सकते हो आजादी के साथ, तो जो चीज मेरे आस्था के आड़े आएगी मैं उस पर एतराज करूंगा, इसमें तो कोई किसी को गलत लगने वाली बात है ही नहीं। देखा भाई दोगलापन, कि इस्लामिक स्टेट की बात आती है तो क्या है इसमें,
बच्चों को भारत वंदे मातरम नहीं सिखाना चाहिए। भाई इनकी माता नहीं होती क्या इनके, क्योंकि भाई अल्लाह की कोई क्या माता है ही नहीं, माता का सिस्टम ही खत्म है। महिला को वैसा समझ के रखा है इन्होंने, और बेइज्जती करवाने तो पीएचडी हासिल की ही है, समझते हैं ना। लेकिन जो भारतीय मुसलमान हैं उनको हमेशा ही हमने ये देखा है कि कुछ ना कुछ शिकायत रहती है उनको, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट से हो चाहे जो बाकी रिलीजन है उनके साथ प्रॉब्लम रहे हमेशा। आपको लगता है कि क्या भारत के मुसलमान जो हैं वो भारत को कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो हर तरफ से कुछ ना कुछ आवाजें उठती रहती हैं। वैसी साहब भी कहते हैं कि जी मोदी जी जो है वो कभी अफ्तार पार्टी नहीं करते, या मुस्लिम जो टोपी पहना करते हैं वो नहीं पहनते, तरह तरह के जो ऑब्जेक्शन चलते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह जो बाकी हिंदुस्तान है वो भी इस्लामिक स्टेट बन जाए? नहीं नहीं देखिए, दो बातें मिक्स कर दी आपने इसमें। एक बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी एक हिंदू हैं, उनकी मर्जी है वो टोपी पहने ना पहने, उनकी मर्जी है वो इफ्तार पार्टी बुलाए ना बुलाए। पहले जो सरकारें थी, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने टोपी भी पहनी, इफ्तार पार्टी भी कराई। वो उनका अपना एक मत था कि भाई मुसलमान वोटरों को कैसे रिझाना है, मुसलमान वोटरों को अपनी तरफ कैसे लाना है, वो उनका एक अपना फंडा था। इन्होंने पहले ही मना कर दिया हम नहीं करेंगे, तो हमें इस पर भी एतराज नहीं है, क्योंकि इफ्तार पार्टी में सिवाय गलत के अच्छा तो होता नहीं है। भाई सरकार का जो सूद वगैरह का पैसा होता है, टैक्स वगैरह का पैसा होता है, उससे आप अपने रोजे को खराब क्यों क्यों करने जाओगे? ये तो रहती है मुसलमानों को। और क्या इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं? शिकायत नहीं है, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर मेरे धर्म के विरुद्ध कोई चीज हो, उसके खिलाफ कोई चीज हो, तो मैं उस पर आवाज उठाऊं, ये मेरा मेरे देश के संविधान ने मुझे इजाजत दी है इसकी, तो मैं उस संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातों को कहता हूं। इस्लामिक स्टेट बनाने का जहां तक मामला है, देखिए आज हमारे हिंदू भाई चीख चीख कर कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। एक बागेश्वर धाम है, आपने सुना होगा उनकी बात को कई बार, वो कहते हैं तुम मेरा साथ दो मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। भाई एक हिंदू की जब आस्था ये हो सकती है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो मुसलमान भी ये सोच सकता है कि इस्लामिक स्टेट बन जाए, मुसलमान मुल्क बन जाए। तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि मुसलमान ने तलवार उठा ली कि लाओ सबकी गर्दनें काटूंगा फिर इसको जो है इस्लामिक स्टेट बनाऊंगा। इस्लामिक स्टेट बनाने की सोचना ये संविधान के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके लिए तलवार उठाना, उसके लिए किसी को नाहक कत्ल करना, ये इस्लाम के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। मेरे सनातनी भाइयों, जब इनके ऊपर कोई बात आए तो वो इस्लाम के भी खिलाफ हो जाती है और संविधान के भी खिलाफ हो जाती है। लेकिन हिंदुओं का मतलब इनकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था कुछ नहीं है। कुल मिला के ये चाहते हैं दोगलापन करना, हर जगह दोगलापन फैलाना, भारत की किस तरीके से बचे थे। और जिस तरीके से आजू का आदमी यानी पाकिस्तान के मुसलमान भी ये मानने को तैयार है कि भाई भारत माता की जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, आजकल बोल भी रहे हैं, आपने देखा होगा पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं हिंदुस्तान की भारत माता की जय के नारे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।